एक ऐसा द्वीप जहाँ सांप राज करते हैं। इस द्वीप पर कभी कोई इंसान नहीं बस पाया। बसना तो दूर की बात, यहाँ इंसानों के आने पर प्रतिबंध है। ये बेहद खतरनाक आइलैंड ब्राजील के साओ पाउलो स्टेट में मौजूद है, जिसका नाम है इल्हा दा क्विमाद। इस आइलैंड में हर जगह आपको केवल सांप ही सांप नजर आएंगे। यही कारण है इस आइलैंड को स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अधिक संख्या में सांप पाए जाने के कारण इस आइलैंड में आज तक इंसान नहीं बस पाया। इस आइलैंड में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं, जिन्हें गोल्डन लांस एंड बाइपर के नाम से जाना जाता है। ये सांप इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इनके जहर से इंसान का मांस तक गलने लगता है। अगर कोई व्यक्ति इस स्नेक आइलैंड में गलती से भी चला जाए तो उसकी यही गलती उसकी जान लेकर मानेगी, क्योंकि इस आइलैंड में आज तक जो भी गया वो कभी जिंदा यहाँ से वापिस नहीं लौट पाया। इस खतरनाक आइलैंड में सांपों की 4000 अलग अलग प्रजातियां रहती हैं। ये आइलैंड खतरनाक होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी है, मगर इस खूबसूरत आइलैंड को देखने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। और अगर कोई इसकी खूबसूरती को देखना चाहता है तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इस आइलैंड में जाने पर ब्राजीलियन नेवी द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कोई भी आम इंसान इस आइलैंड में नहीं जा सकता है। इस आइलैंड में केवल सांपों पर शोध करने वाले विशेषज्ञ ही जा सकते हैं, और वो भी केवल तटीय इलाके में, क्योंकि इस आइलैंड के अंदर जाना खुद मौत को बुलावा देने के बराबर है। इस आइलैंड में प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1 से 5 गोल्डन लांस एंड बाइपर तो मिल ही जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को गोल्डन लांस एंड बाइपर ने काट लिया तो वह व्यक्ति अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता और कुछ ही कदम चलने के बाद उसकी मौत हो जाती है। गोल्डन लांस हेड बाइपर में उड़ने तक की क्षमता होती है। सांप की ये प्रजाति पेड़ों पर चढ़कर चिड़िया के अंडे और चिड़ियों का भी शिकार कर लेती है। आपको बता दें कि ब्राजील में सांप के काटने से होने वाली 90% मौतें गोल्डन लांस हेड बाइपर के काटने से ही होती है। 4,30,000 वर्ग मीटर में फैले इस आइलैंड में कई शिकारी चोरी छुपे भी घुस जाते हैं। ये शिकारी इस आइलैंड में घुसकर अवैध रूप से सांपों को पकड़ते हैं और फिर बाजार में उन्हें बेच देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि काले बाजार में गोल्डन लांस एंड बाइपर के जहर की काफी मांग है, और इस आइलैंड में पाए जाने वाले एक गोल्डन लांस एंड बाइपर की कीमत करीबन 18 लाख रुपए से भी ज्यादा है। काले बाजार में इन सांपों की बढ़ती मांग के चलते इल्हा दा क्विमाद आइलैंड में इन सांपों की स्मगलिंग बढ़ती जा रही है, और साथ ही इन सांपों की इन प्रजातियों पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। बताया जाता है कि ये आइलैंड सुर्खियों में तब आया जब यहाँ एक फिशरमैन अपनी नाव को किनारे लाकर केले तोड़ने आया। ये फिशरमैन जैसे ही आइलैंड पर आया वैसे ही उसे गोल्डन लांस एंड बाइपर ने काट लिया, जिसके बाद वो भागकर अपनी नाव पर वापस गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि जिस नाव से उस फिशरमैन की लाश मिली थी वो खून से भरी हुई थी। इसके बाद इस आइलैंड को लेकर एक और कहानी काफी प्रचलित है। बताया जाता है इस आइलैंड में एक बार एक परिवार पिकनिक मनाने आया था। पिकनिक मनाते समय कई सारे सांप उनके टेंट के अंदर घुस गए और उन सभी लोगों को काट लिया। सांपों के काटने के बाद वो पूरा परिवार वहां से भाग रहा था, लेकिन तभी पेड़ों पर लटके कुछ सांपों ने भी उन्हें काट लिया, जिसके बाद उस पूरे परिवार की मौत हो गई। बताया जाता है कि नेवी की टीम को आइलैंड से उस पूरे परिवार के लोगों की लाशें मिली थी। इसी के बाद से इस आइलैंड में किसी भी इंसान के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ताकि ये सांप किसी भी व्यक्ति की जान ना ले सके। और यही कारण है कि आज भी इस आइलैंड में केवल सांपों का ही राज है। तो दोस्तों, स्नेक आइलैंड के बारे में ये थी कुछ रोचक जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।